हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आपके लिए मैं अपडेट लेके आया हूँ, वो है भुज से लेके गांधीधाम के बीच जो कि रेल इलेक्ट्रिफिकेशन का जो काम जो चल रहा है उसका मैं आपको अपडेट देने को आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं, साथ में आपको स्टेशन के नाम बता देते, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भुज के बाद आएगा माधापुर, कुकमा, रतनाल, सपड़ा, अंजर, आदिपुर जंक्शन, गोपालपुर, उसके बाद आएगा गांधीधाम जंक्शन। तो चलिए दोस्तों, आपको मैं स्टेशन के नाम तो बता चुका हूँ, तो चलिए दोस्तों आपको मैं उसका अपडेट देता हूँ कि इलेक्ट्रिफिकेशन का भी क्या कार्य चल रहा है और क्या कार्य अभी उसमें बाकी है। दोस्तों आपको मैं बता दूँ कि अभी फिलहाल इलेक्ट्रिफिकेशन का काम अभी जोर शोर से चल रहा है, और दोस्तों मुझे इसका आइडिया तो नहीं है मेरे पास कि इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या टारगेट है उसका, यानी कब तक हो सकता है भुज से लेके गांधीधाम के बीच, क्योंकि वहाँ पर तो नॉर्मल राइज जैसा यानी उसका ओएची रहेगा ना ओएची, और अभी शायद मुझे लग रहा है कि वायरिंग का काम हो चुका है, ये सभी वायरिंग का काम अभी उसमें फाइनल टच देना बाकी है, फाइनल टच छोटा मोटा काम पे। और दोस्तों आपको इसके बारे में क्या लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए कि इलेक्ट्रिफिकेशन का काम कब कंप्लीट होने वाला है, यानी भुज से लेके गांधीधाम के बीच में, क्योंकि जल्द से जल्द जितनी भी ट्रेन चलती है उनको भी इलेक्ट्रिक लोको देना ही चाहिए, जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक लोको डीजल हटवाने के बाद उसको भी जल्द से जल्द इलेक्ट्रिक देनी चाहिए। और दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, और अगर आप पहली बार है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी बजाइए, जो भी कोई नोटिफिकेशन में मिलेगा वो आप तक पहुंच जाएगा। और अगर कोई सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिए, ऐसी और भी अपडेट लेके आ जाऊँगा। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय।